कहते हैं जिंदगी हसीन और लंबी होनी चाहिए। आज मेरे लिए पानी पैसे की तरह है। आलीशान घर में रहना, प्राइवेट जेट्स में घूमना, इटली से अपने कपड़े प्रेस कराना। अब आप सोचेंगे कि ऐसा लाइफस्टाइल मैंने कैसे हासिल किया और वो भी इतनी कम उम्र में। फिक्र ना करिए, मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा अगले 6 महीने के अंदर। अभी मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करें, 1 करोड़ बनाने का फॉर्मूला। इस वीडियो में सारी बताई हुई बातें मेरे एक्सपीरियंस से है। जितने भी एग्जांपल लिए गए हैं वो मनगढ़ंत है। अगर फिर भी किसी से सिमिलैरिटी आती है तो ये इत्तेफाक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ भी प्रिज्यूम करने से पहले वीडियो पूरी देख लेना। आज के टाइम पे अगर मैं अपना फेसबुक खोलता हूँ तो मैं बहुत सारी एड्स देखता हूँ और हर बंदा अपना कोई ना कोई कोर्स बेच रहा होता है। कोई कहता है मैं इंस्टाग्राम गुरु हूँ, कोई कहता है मैं फेसबुक गुरु हूँ, कोई कहता है मैं कंटेंट मार्केटिंग गुरु हूँ, कोई कहता है मैं कम्युनिकेशन हूँ, कोई वीडियो प्रोडक्शन कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या चल रहा है भाई ये मार्केट में? मैं ये नहीं कह रहा वो लोग बुरे हैं या फिर अच्छे हैं, पर आज कोई भी अपना कोर्स लेके बैठा है, पीछे बैकग्राउंड उसकी कुछ भी नहीं है, उसको कोई नहीं जानता मार्केट के अंदर, पर वो आपको सिखा रहा है कि करोड़पति कैसा बना जाए। असली में वो करोड़पति आपको कोर्स बेच के बनने वाला है, पर वो लोग दिखा रहे हैं मेरी 5 करोड़ की घड़ी देखो, मेरे गोल्ड देखो, मेरा ये देखो, अपना फेसबुक अकाउंट दिखाएगा, देखो मैंने इतने रुपए की एड रन करी, अपना गूगल एनालिटिक्स में दिखाएगा, देखो मेरे पर इतना ट्रैफिक आ रहा है। ये सब कुछ फेक हो सकता है, सब कुछ। मैं अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाता हूँ, मेरी वेबसाइट के अंदर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितनी ज्यादा सेल करी है। ये जो आप डेटा देख रहे हो ना, ये फेक डेटा है, फेक डेटा नहीं है, ये मैंने अपने फैक्टर्स के लिए बना रखा है। मैं चाहूँ तो इस नंबर्स को कितना भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ ना वेबसाइट पे एक बंदा आएगा और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास 20 बंदा आ रहा है, और रियल में दिखेगा वो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ। कई लोग फोटोशॉप में एडिटेड स्क्रीनशॉट्स डाल देते हैं, कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर, और ये गुरु कल्चर शुरू हो गया है नया ही। जब भी किसी शब्द का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना, तो वो वर्ड की वैल्यू खत्म हो जाती है। एग्जांपल लेके चलता हूं, पागल। हम किसी को ऐसे बोल देते हैं, भाई तू पागल है क्या, तू पागल है क्या। लॉजिकली देखा जाए पागल बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड है। अगर मैं गुरु की बात करके चलूं, गुरु भी आजकल इतना कॉमन वर्ड हो गया है। आज के टाइम पे डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत आसान है, कोई आराम से आपको दिखा सकता है कि देखो मैं कितना बड़ा एक्सपर्ट हूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपका गुरु है। पर असली में रियलिटी क्या है गुरु की? अगर मैं असली गुरु की बात करके चलूं, गुरु वो इंसान है जिसके लिए हम अंगूठा काट के दे सकते हैं। अगर वो हमको कुछ भी कहे, हमको वो करना पड़ेगा। पर आज के टाइम पे जिनको हम आज गुरु मान रहे होते हैं, कल हमको कुछ और पता लगता है उनके बारे में, हम कहते हैं भाई वो बंदा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, हमको गालियां दे रहे होते हैं। पर रियलिटी जो गुरु की थी, गुरु का मतलब था कि पूरा समर्पण करना है हमको उस इंसान को। पर क्या आज हम ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि एक नया गुरु कल्चर शुरू हो गया है। और इसका कारण ये नहीं है कि बहुत सारे ट्रेनर्स आ गए, इसका कारण आप लोग भी हो। अगर YouTube पे देखा जाए, सबको कैसी वीडियोस देखनी है कि ये 5 स्टेप आपको करोड़पति बना देगी। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप करोड़पति, आप माला माल हो जाएंगे। लाइफ में सबको शॉर्टकट चाहिए आज के टाइम पे, कोई पीछे की हिडन पिक्चर नहीं देखता। मैं अपनी बात करके चलता हूं, मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग का जब करियर शुरू किया, मैंने बहुत सारी मेहनत करी, मैंने बहुत सारे क्लाइंटों को हैंडल किया। अगर मैं आज आपको भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूं, जितना मुझे आता है वो सब कुछ भी सिखा दूंगा ना, तो भी आप मेरे लेवल पे एक झटके में नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मैंने पूरा संघर्ष किया, मैंने पूरी मेहनत की है, और वो चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है, और आपको वो डेवलप करने में टाइम लगेगा। आज के टाइम पे लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, भाई मेरा मूड खराब है, मेरा दुख खराब है, मैं जाके मोटिवेशनल वीडियोस देखूंगा। मोटिवेशनल वीडियो से क्या हो जाएगा? एक आपको टेम्परेरी मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद वापसी बैक टू नॉर्मल आना है। यहां पे हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी, यहां पे गलती थोड़ी सी हमारी भी है। मैं अपनी बात करके चलता हूं, मैं 32 बच्चों को पढ़ाता हूं, 32 बच्चों में से 15-20 बच्चे ही अच्छे निकलते हैं, बाकी सब टाइम पास करते हैं। लॉजिकली सोचो, मैं सब बच्चों को सेम नॉलेज दे रहा हूं, सेम चीजें सिखा रहा हूं, सब क्लास के अंदर चल रहा है, मैं किसी को घर पे होम ट्यूशन नहीं दे रहा हूं, उसके बाद कुछ बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, कुछ बच्चे बेकार निकल रहे हैं। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा चीजों को। अब आप जो भी कोर्स बाय करते हो वो आपको लाइफ के अंदर एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं, आपको कोई नई नॉलेज देते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। अब क्या होता है, ये एक तरह से मोटिवेशन की तरह ही है, आपके बॉडी का डोपामिन लेवल बढ़ता है, जिसके चक्कर में आपको अच्छा फील होता है और आपको नशा हो जाता है। आप एक कोर्स करते हो, उसके बाद दूसरा कोर्स करते हो, उसके बाद तीसरा कोर्स करते हो। अभी लॉकडाउन चल रहा था, मैं गारंटी देके कह रहा हूं, जिन लोगों को सीखने का शौक है ना, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे।
बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, पर एप्लीकेशन कहाँ है ये लॉजिकली सोचो ना। आपने एक कोर्स किया, उसके बाद दूसरा कोर्स किया, आपका लेवल और बढ़ गया, फिर तीसरा कोर्स किया, एक और लेवल बढ़ गया, उसके बाद अपने आपको सुपर सैयन समझने लग जाते हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कुछ भी अलग सोचने लग जाते हो। ये सारी चीजें क्यों हो पा रही है? डोपामिन लेवल के चक्कर में। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, उसको कहते हैं एक्शन फेकिंग। एक्शन फेकिंग का मतलब क्या होता है? हमको ऐसा लगता है हम काम कर रहे हैं पर काम नहीं कर रहे होते। मैं अपनी बात करके चलता हूं, मैं किसी और की बात नहीं करके चलता। आज से 3-4 साल पहले की बात बता के चलता हूं, जो मुझे बहुत ज्यादा कीड़ा था ऑनलाइन कोर्सेज का, तो मैं दिन के अंदर 5-5, 6-6 घंटे अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर देता था। पर मैं एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, दूसरे कोर्स के बाद तीसरा कोर्स, तीसरे कोर्स के बाद चौथा कोर्स, बस यही करता रहता था पूरे दिन भर। अगर मैं 14-15 घंटे भी काम कर रहा हूं, तो 14-15 घंटे करने के बाद मुझे ऐसा लगता था मैंने बहुत सारा काम किया, पर लॉजिकली देखा जाए तो मैंने क्या किया होता था? 2 क्लाइंटों की एडे चला दी, एक का कुछ बैनर बना दिया, एक यूट्यूब पर वीडियो बना दी, और छोटा मोटा एक काम कर लिया, और मुझे उसमें लगता था मैंने बहुत सारा काम कर लिया। पर एक टाइम के बाद जब मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैंने इसके बारे में कंसेप्ट के बारे में पढ़ा कि एक्शन फेकिंग नाम की कोई चीज होती है, तो मुझे पता लगा यार मैं उतना काम नहीं कर रहा हूं जितना मैं सोच रहा हूं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब रात खत्म होती है ना, तो एक काम करना, एक कॉपी के ऊपर या फिर फोन के ऊपर नोट्स के ऊपर लिखना कि आपने आज पूरे दिन के अंदर क्या क्या काम करे, काम करे। ये नहीं एक्शन फेकिंग नहीं करने की, भाई मैंने एक बटन ऑन किया, बटन ऑफ किया, एक टास्क की बात करके चल रहा हूं कि मैंने एक कैंपेन रन किया, मैंने रिसर्च करी एक ब्लॉग के लिए, ये कोई मतलब नहीं है, मैंने एक ब्लॉग पूरा कंप्लीट किया, एक पूरा कंप्लीट टास्क को आप देखना कि आप पूरे दिन में कितना कर रहे हो, आपको रियलिटी पता लगेगी। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हो पर आप उतना ज्यादा काम नहीं करते हो। कुछ टाइम पहले अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने एक फ्री SEO कोर्स किया, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर एनरोल किया, पर भाई टाइम लग रहा था क्योंकि मैं सिखा रहा था। सिखाने का मतलब मेरे पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं थी, मैं पहले रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाता हूं, उसके बाद लोगों को टास्क देता हूं, असाइनमेंट सॉल्व करते हैं लोग, उसके उनके असाइनमेंट सॉल्व करने के अंदर हेल्प कर रहे हैं, तो उसके अंदर टाइम लगेगा क्योंकि SEO कोर्स है, लोगों की आदत बन रखी है 3-4 घंटे के अंदर पूरा SEO सीखने की। तो ग्रुप के अंदर लोग आके बोलने लग गए, कह रहा भाई मौज का कोर्स कर लो, वो फ्री हो रखा है, 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, इनका कोर्स तो 2-2, 3-3 महीने चलेगा। अरे SEO सीखने के लिए अगर ढंग से सीखना है ना, तो सालों लग जाएंगे आपको ढंग से सीखने के लिए। अगर अच्छे लेवल का भी बनना है ना, अगर आपको कुछ कुछ आता भी है तो भी 6-7 महीने लगेंगे। अगर मैं अपने कोर्स की ड्यूरेशन 3 महीने कर रहा हूं तो भाई ये नॉर्मल है, कोई वो नहीं है, क्योंकि सबको आदत हो गई है शॉर्टकट्स की कि 5 घंटे की वीडियो देखो और मुझे SEO आ जाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? मैं अपने एक मीटअप की कहानी सुनाता हूँ। मैं बैंगलोर गया था कुछ टाइम पहले, रेडियो सिटी वालों ने मेरे को एक शो के लिए बुलाया था, तो मैं वहां पे गया, वहां पे मीटअप किया गया, एक बंदा मुझे मिला, उसने मेरे को बोला कि सर मैं आपका MBA कोर्स को फॉलो किया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया कोर्स बनाया है। मेरे को बहुत अंदर से खुशी हुई, अगर आपने कुछ किया होता है और सामने वाला अप्रिशिएट करता है तो बहुत खुशी होती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने कहा अभी आप क्या करते हो? सर मैं कॉलेज के अंदर हूं, मैं स्टूडेंट हूं। तो मैंने उससे पूछा कि अभी आपका बिजनेस क्या कर रहे हो, क्या एग्जीक्यूट? कह रहा सर अभी तो प्लान कर रहा हूं कि मैं शुरू क्या करूं। अगर किसी ने मेरा MBA कोर्स देखा है तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही पहला असाइनमेंट दिया है कि अपना आइडिया सिलेक्ट करो। आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया और आपको आइडिया के बारे में नहीं पता, इसका मतलब क्या है? मुझे दुख होता है इन चीजों से। तो MBA कोर्स जब मैंने निकाला तो मैंने रियलाइज किया फ्री की वर्थ नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आपको किसी को वैल्यू डिलीवर करनी है तो पेड करनी पड़ेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक ये जो ई लर्निंग वाली इंडस्ट्री है वो 90,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी ग्लोबली। अगर 90,000 करोड़, और लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चक्कर में ये आंकड़े बढ़ेगी, सीधी सी बात है, क्या पता डबल हो जाए, क्या पता ट्रिपल हो जाए, और इतनी ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पैसा कौन कमाएगा? टीचर्स कमाएंगे, आप नहीं कमाओगे। ऐसा देखा जाता है जितने लोग ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं उसमें से ज्यादातर लोग गरीब होते हैं कोर्स करने के बाद, क्योंकि उन्होंने फीस दी होती है, वो कोर्स करके उनकी लाइफ में वैलिडेशन नहीं होता। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं पर उसको कंप्लीट ही नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं किस तरीके से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, अपनी फेक आइडेंटिटी बना सकते हैं। मैं आपको बनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि बाकी लोग किस तरीके से बनाते हैं, और मैं आपको कुछ कॉमन सेंस दे रहा हूं कि किस तरीके से मार्केट में सब कुछ चल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप है प्रॉफिटेबल निश सिलेक्ट करना। प्रॉफिटेबल निश मतलब क्या चीज मार्केट में चल रहा है आजकल, क्या लोगों को चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग आजकल कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, हर जगह पर डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड में है। तो आपको क्या करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोर्स बनाना है। अगर आप देखोगे हर एक कैटेगरी के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज चल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना देना है। ये है अपना पहला सिलेक्शन जहां पे हम प्रॉफिटेबल निश को ढूंढ रहे हैं।
अब यहाँ पे एक चीज का हमको जो ध्यान देना है वो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मैं अच्छा बोल पाऊँ कैमरे के ऊपर और मैं अच्छे बॉडी लैंग्वेज सही रहे मेरी, मतलब मैं तरीके से बोल पाऊँ, मुझे बोलना आए सब कुछ आए। तो इसके लिए मैं ऑनलाइन कोर्स कर सकता हूँ या फिर मैं कोई एक्टर को भी हायर कर सकता हूँ जो कि मेरी जगह कोर्स बनाएगा। पर यहाँ पे हम बात करके चल रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। ज्यादातर लोग जो कोर्सेज बेच रहे हैं वो अपने नाम पे बेच रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा सारे लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपकी कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादातर लोग फेक है, मैं बस ये बता रहा हूं कि अगर बंदे की कम्युनिकेशन होगी तभी इस चीज को आगे फॉलो कर सकता है। तो कम्युनिकेशन की कोर्सेज भी है, कोर्सेज आप ले सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी कम्युनिकेशन आएगा। अंकल आप कितना कमा लेते हो? 1000 रुपए रोज का? ये अंडे बेच के? अब अगला स्टेप है कंटेंट प्रोडक्शन। कंटेंट प्रोडक्शन का मतलब मुझे कंटेंट बनाना है। कंटेंट किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, वेबिनार हो सकता है, बुक हो सकती है, ई बुक हो सकती है, या फिर और कोई भी लर्निंग मटेरियल हो सकता है। अब मैंने कंटेंट बना लिया, अब उस कंटेंट को बेचना है। अब यहां पे सवाल आता है, भाई मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग आती ही नहीं, मैं कैसे कोर्स बनाऊं, मुझे तो अक्ल ही नहीं है बिल्कुल भी, मेरे को पता ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो यहां पे है आप दो स्टेप है। एक, जाके ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज ले लो, उनको देखो और अपना खुद का कंटेंट बना लो, एक स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है, आप किसी प्रोफेशनल को हायर करो जो कि पहले से एक्सपर्ट है, उसको पैसा दो, वो आपको कंटेंट बना के देगा। आजकल टेलीप्रॉम्प्टर आ गए हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगाओ कैमरे के साथ में, आपको सब कुछ लिखा हुआ आएगा, देख देख के बोलना है, बन गया आपका कंटेंट, सामने वाले को लगेगा वाह बॉडी लैंग्वेज तो आपकी अच्छी है ही, आप देख देख के टेलीप्रॉम्प्टर पे बोले जा रहे हो, सामने वाले को लग रहा है भाई यही बंदा है। अब आपने वो कोर्स अगर खुद भी बोल दिया तो आपको कुछ तो समझ में आ जाएगा। अब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए कहीं पे जाओगे तो आप सब कुछ संभाल लोगे क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो आ चुकी है, पर लॉजिकली आपने बैकएंड कोई काम नहीं किया। आप लोगों को सिखा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग पर आप अपने ऊपर डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, पर आप लोगों को सिखा रहे हो। आप लोगों को सिखा रहे हो मैं आपको वीडियो प्रोडक्शन करनी सिखाऊंगा, पर आपकी खुद की वीडियो की क्वालिटी नहीं है, आप खुद ही अपनी वीडियो क्वालिटी के अंदर वो चीजें नहीं कर पा रहे, आप अपनी वीडियोस के अंदर कुछ अलग सा नहीं डाल पा रहे। अगला स्टेप है रिकॉर्ड करना और एडिट करना। अब डिपेंड कर रहा है आपके कोर्स की प्राइसिंग क्या है, उसके हिसाब से करना है। मैं आपको दो स्टेप बताता हूं रिकॉर्डिंग के। एक तो खुद अपना एक DSLR लो और उससे रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दो अपने कोर्सेज को, किसी भी अच्छे सेटअप के ऊपर बना के आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएगी, सेटअप कैसे बनाया जाता है, वीडियोस कैसे रिकॉर्ड की जाती है, खुद एडिट करो। दूसरा स्टेप आप रिकॉर्ड खुद करो, एडिटर एक हायर कर लो, वो आपको एडिट करके आपका कोर्स दे देगा। तीसरा स्टेप जो कि अगर आप बहुत महंगा कोर्स बनाना चाहते हो, अच्छा कोर्स बनाना चाहते हो, तो आप एक स्टूडियो हायर कर सकते हो जहां पे अच्छे कैमरे पहले से लगे हुए, आप गए वहां जाके अपने पूरा बोला अपने रिकॉर्ड करके ले आए, एक प्रोफेशनल एडिटर से उसको एडिट करवाया और आपका एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स बन गया। तो ये आपकी मर्जी है, आपके बजट के ऊपर आप किस तरीके से करना चाहते हो। मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि लोग इस तरीके से करते हैं। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग अलग अलग हो सकती है। एक होती है सस्ती प्राइसिंग जो आजकल चल रहा है, 200 रुपए का कोर्स, 300 रुपए का कोर्स, 500 रुपए का कोर्स। लॉजिकली सोचो एक बात को यार, दिमाग खोल के, अगर किसी चीज से मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, वो चीज मैं आपको 200 रुपए में सिखा दूंगा? क्यों सिखाऊंगा भाई? Either मैं आपसे कुछ ऐसा कुछ काम करवाऊं जिससे मैं इनडायरेक्टली अर्न करूं, आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। अगर मैं SEO कोर्स की बात करके चलूं तो वहां पे क्या हो रहा है, मैंने फ्री कोर्स दिया पर मैंने सबसे 8-8 ब्लॉग्स लिखवाए, मैं उनसे ही ऑप्टिमाइज करवा रहा हूं। अब मैंने उनको सिखाया, मेरे को कंटेंट राइटर हायर करने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास एक टीम बन चुकी है कंटेंट राइटर की जो कि मेरे अंडर ट्रेंड है, जिनको अच्छा कंटेंट लिखना आता है। अभी उन्हीं से मैं बैकलिंक बनवाऊंगा तो मेरी वेबसाइट तैयार होगी, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, मैं वहां से एडसेंस से भी पैसा कमा सकता हूं। प्लस अब मैं आगे लोगों को कोर्स बेचूंगा, मैं दिखाऊंगा देखो इन लोगों ने ये अचीव किया है, इनकी वजह से वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आता है, आप भी ले सकते हो। तो ये मेरा फनल बन गया। पर अगर कोई 200 रुपए में आपको कोर्स दे रहा और आपसे कोई काम नहीं करा रहा और उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, वो फ्लैट आपसे 200 रुपए के लिए जी रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पंगा है। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग ओवर प्राइस कर देते हैं। चीज है वही यूडेमी से उठाई हुई या फिर खुद अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसमें कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और उस कोर्स का प्राइस कर दिया 50,000। अब लोगों को लगता है भाई प्रीमियम कोर्स है, कुछ तो अलग होगा, चलो ले लेते हैं, लेके देखते हैं, कुछ मिलता नहीं है। तो आजकल दो तरीके की प्राइसिंग चल रही है जो मैं देख रहा हूं, और एक बीच की प्राइसिंग भी चलती है जिसमें अच्छी वैल्यू डिलीवर करते हैं और अच्छा प्राइस देते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मदान, फाउंडर ऑफ बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी लेने से पहले सोचना ना पड़े? क्या पैसों की कमी आपकी खुशियां छीन रही है? अगर हाँ तो नीचे दिए गए बोर्ड डायल नंबर पे अभी कॉल करें, हमारे काउंसलर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लल्लन भैया। हमने सर से वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स किए थे, मजा आ गया, करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज हमारे पास आलीशान घर है, हम दुबई में रहते हैं,
एक महीने का 5 करोड़ रुपए कमाते हैं सिर्फ सर की वजह से। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। हमको सर ने बॉडी लैंग्वेज भी सिखाई, हमको पता लगा कि किस तरीके से कपड़े पहनने होते हैं और किस तरीके से बात करनी होती है। थैंक यू सर जी। क्या आप उन लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं जो आपको कहते थे आप कुछ नहीं कर सकते? आज मैं आपको सिखाऊंगा मैं घर में बैठे बैठे खाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए कैसे करोड़ों रुपए कमाता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे हमारे वेबिनार पे ज्वाइन करें, हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं किया, मैं सिर्फ आपको बता रहा कि ऐसा चल रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पे अगर आप कोई भी ऐड देखोगे उसके अंदर 2-3 चीजों का फोकस किया जाता है। पहला आपको दिखाया जाता है मैं कितना अमीर हूं, मैं कितना सक्सेसफुल हूं, मैं लाइफ में कितना खुश हूं, मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, आप भी मेरे जैसा पैसा कमा सकते हो। आपसे ट्रस्ट गेन कराया जाता है, देखो मेरे पे ट्रस्ट करो, देखो मेरे चेक देखो, जाके मेरी वेबसाइट के आंकड़े देखो, देखो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। साथ में लोग पेन पॉइंट्स को हिट करते हैं कि भाई आपकी इज्जत नहीं है मार्केट के अंदर, आपको कोई पूछता नहीं है, आपको आपके माँ बाप धुतकारते हैं, आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है, जो भी चीजें हैं इसके चक्कर में लोगों के पेन पॉइंट्स जागते हैं। हाँ यार मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था, तो वो लोग रिलेट करने लगते हैं और कोर्स देखने की तरफ आ जाते हैं। एक नई चीज और देख रहा हूं, लोग स्केयरसिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स के अंदर, स्केयरसिटी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई सिर्फ 200 सीटें हैं, सिर्फ 300 सीटें हैं, अभी के लिए ऑफर चल रहा है, कल को मैं एक्सपायर कर दूंगा, कल को मैं कोर्स बंद कर दूंगा, मतलब कुछ भी चल रहा है कोर्स अब उसके बाद भी चल रहा है। तो ये जो फ्रॉड चल रहा है ना मार्केट में, ये बहुत गलत चीज है। ज्यादातर लोग आपको सपने बेच रहे हैं, मेरा कोर्स करो और आप करोड़पति बन जाओ। यार बेचारे इतने सारे लोग हैं जो कि पता नहीं कितनी जगह से पैसा इकट्ठा करके कोर्स कर रहे होंगे, और अगर उनको वो वैल्यू डिलीवर ना हो, अगर देखो आपने अपने एंड से 100% दिया, टीचर ने अपना तरफ से 100% दिया, अब स्टूडेंट ने उसके ऊपर काम नहीं किया तो भाई स्टूडेंट की गलती है। पर अगर टीचर काट रहा है, वो 100% नहीं दे रहा अपना और कंटेंट भी उस लेवल का नहीं आ रहा, तो भाई बहुत गलत चल रहा है मार्केट में। और अगर आप देखोगे ज्यादातर लोग जो भी कोर्सेज बेच रहे हैं वो सबके सब अपने प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, हाइडन, दिखाते नहीं है कि कितने लोगों ने एनरोल किया, उन लोगों के रिव्यूज भी नहीं पता लगेगी कि भाई जिसने ने कोर्स लिया वो कहां है। अगर आपने कोई किसी का भी ऑनलाइन कोर्स लिया ना, जेन्युइन रिव्यू नीचे कमेंट में जाओ, मैं डिलीट नहीं मारूंगा, मैं रखूंगा कि किसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस कोर्स को लेके क्या क्या रहा, खुलेआम नीचे बता दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि मेरा भी अगर किसी ने कोर्स लिया ना, मेरे से भी किसी को कुछ है तो नीचे कमेंट में कर दो, मैं अपना भी कमेंट कोई डिलीट नहीं मारूंगा। अब कोर्स बेचने के लिए अपने को फनल बनाना है। फनल के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने के लिए मैं 3-4 चीजें कर सकता हूं। एक, मैं फ्री कॉन्टेंट डिलीवर करूं, कोई फ्री कोर्स दे दूं, फ्री वेबिनार दे दूं, फ्री PDF दे दूं, कुछ भी दे दूं। उसके बाद मैं लोगों को रीमार्केट करूंगा, उनको अपने बारे में ज्यादा बताऊंगा, उसके बाद कन्वर्ट करूंगा। अब मैं जो फ्री दे रहा हूं, अगर आपकी मार्केट में इज्जत है तो आप फ्री ऐसी दे सकते हो, वरना आपको एड्स चला के लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा लोगों को देख रहा हूं, अगेन मैं फेक गुरु की बात करके चल रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं करके चल रहा, वो लोग अपनी एड्स चला रहे हैं फेसबुक पे और वहां पे फ्री वेबिनार बेच रहे हैं, कह रहे मेरा फ्री वेबिनार ज्वाइन करो, मैं आपको बदल दूंगा, करोड़पति बना दूंगा। जबरदस्ती दिखाने की कोशिश हो रही है आपको कि देखो मैं कितना अमीर बन गया, आप भी मेरे जैसे अमीर बन सकते हो। बहुत फ्रॉड चल रहा है मार्केट के अंदर। एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, वो इवेंट्स करती है, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। उन्होंने कहा आपके पास ऑडियंस है, आप हमारा इस टिकट को बेचो, एक टिकट बेचने का मैं आपको स्पेसिफिक कमीशन दूंगा। मतलब एक फनल का तरीका यह भी है कि जिन लोगों की पहले से ऑडियंस बनी हुई है आप उनको कुछ स्पेसिफिक कमीशन दो, वो आपको सेल करके देंगे। अब फनल 3-4 तरीके के चल रहे हैं। फनल मतलब जिस तरीके से कोर्स बेचा जा रहा है वो 3-4 तरीके के चल रहे हैं। एक क्या है, एक कोर्स बेचने का तरीका है, पहला कोर्स सस्ता दो या फिर फ्री दो, उसके बाद उनको अपग्रेड करो, उसके बाद फिर से अपग्रेड करो, उसके बाद फिर से अपग्रेड करो, क्योंकि हर एक कोर्स कंप्लीट करने वाला डोपामाइन लेवल बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको कुछ फ्री दिया, फ्री करने के बाद आपको लिखा हाँ भाई नई चीज सिखाऊं मैं एक, उसके बाद आपका डोपामाइन लेवल बढ़ा, मैंने आपको कहा मेरा ये वाला कोर्स ले लो, आपने ले लिया। अब आपको थोड़ा और लेवल बढ़ा, फिर मैंने कहा ले लो, फिर और लेवल बढ़ गया, ले लो। और इनकी प्राइसिंग कैसे बढ़ती है, जो मैंने देखा है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, पहले आपको स्टार्टिंग का जो पहला कोर्स होगा वो शायद फ्री देंगे, उसके बाद 5-7 हजार का देंगे, उसके बाद 20-25 हजार का देंगे, उसके बाद 1 लाख का देंगे, उसके बाद 8-10 लाख रुपए का पर्सनल कंसल्टेशन दे देंगे, हैंड होल्डिंग दे देंगे, कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर। मैं बहुत बड़े बड़े बंदों की बात करके चल रहा हूं, वो भी इसी फनल के ऊपर चल रहे हैं। दूसरा तरीका क्या आ रखा है कि मैं एक अच्छा कोर्स डिलीवर करूंगा, अब उसके रिलेटेड एक और का निकालूंगा, उसके रिलेटेड और निकालूंगा, उसके रिलेटेड और निकालूंगा। अब जिसको पहला कोर्स लेना था, अगर उसको दूसरा लेना था वो ले सकता है, नहीं लेना तो इग्नोर कर सकता है। मैं जबरदस्ती ऐसा फनल नहीं बना रहा कि पूरी नॉलेज जानने के लिए आपको ये सारे के सारे कोर्सेज लेने पड़ेंगे।
कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग 200 रुपए का 300 रुपए का कोर्स निकाल के जिंदगी जी रहे हैं। उनको पता है एक बार किसी ने 200 रुपए का कोर्स ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में करोड़ों की पॉपुलेशन है, अगर हमने 2% लोगों को भी 200 रुपए के कोर्स में टारगेट कर दिया और हर कोर्स के अंदर अपने पास 100 रुपए बच रहे बहुत है, जिंदगी सेट है। उन लोगों को कोई लेना देना नहीं फनल का, उनके दिमाग में बस ये है बस कोर्स बेचो और पैसा कमाओ। और एक और फनल है जहां पे क्या हो रहा है आपसे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है इनिशियल के अंदर ही। इनिशियल के अंदर ज्यादा चार्ज का मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, दो रीजन है, एक तो वो ओवर प्राइस कर रहा है अपनी ऑफरिंग्स को, जो चीज उसको 500 रुपए में भी मिल जा सकती थी और कुछ नया नहीं दे रहा, वो अपनी लाइफ से इनपुट नहीं दे रहा, वो आपको 500 वाली चीज जान करके 10,000 की दिखा रहा है ताकि आपको लगे ओ भाई 10,000 रुपए की आइटम है कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। और कई लोग जेन्युइनली 10,000 की दे रहे हैं क्योंकि या 50,000 रुपए की दे रहे हैं और वो छोटी चीज ही दे रहे हैं, जैसे फेसबुक एड्स है, अगर कोई फेसबुक एड का मान लो 50,000 रुपए ले रहा है वर्सेस एक बंदा फेसबुक एड सिखा रहा है 500 रुपए में, तो लॉजिकली फेसबुक एड ही सिखाएगा ना, कुछ अलग तो नहीं सिखाएगा ना, पर जो 50,000 रुपए ले रहा होगा ना वो अपनी वर्थ लेके चल रहा है, वो मान के चल रहा है क्योंकि मैंने भाई इन चीजों को सीखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, मेरे स्किल्स इतने सस्ते में नहीं बिकेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई जो कि सेम कोर्स जो कि सस्ते में लोग बेच रहे हैं वो लोग उसी चीज को महंगे के अंदर बेच रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, कह रहा यार देखो मेरे को उनसे नहीं लेना देना, वो सस्ते में बेच रहे हैं, वो कैसे बेच रहे हैं मुझे नहीं पता। कोई भी बंदा अपने हिडन सीक्रेट्स 200-300 रुपए में 500 रुपए में 1,000 रुपए में लीक नहीं करेगा। मैं जो चीज बता रहा हूं मैं अपनी सारी हिडन बातें बता रहा हूं, मैं कुछ भी चीज अंदर नहीं रख रहा हूं। तो अगेन फनल वाली बात है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, और इसका रीजन भी होता है, मैं अपनी बात करके चलता हूं। मैं क्या करता हूं, मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू किया तो मेरे को एक तरह से एम्प्लॉयज मिल रहे हैं ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को ही हायर कर लेता हूं। तो पहले मार्केट के अंदर मुझे हायर करने के लिए बंदे ढूंढने पड़ते थे, मुझे ढंग के बंदे ही नहीं मिलते थे, बहुत परेशान। अभी मेरे पास 32 बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें से कुछ अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं, मान लो 20 बच्चों ने ढंग से काम किया, उसके अंदर से मैं क्रीम बच्चे सिलेक्ट कर सकता हूं, तो मुझे अपने पढ़ाए हुए हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड बच्चे मिल रहे हैं और उनको मैं सीधा हायर कर सकता हूं। तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्टिंग में शुरू करने का मेन रीजन यही था, आज भी मैं कहूंगा एक तरह से यही रीजन है, मैं बहुत सारे लोगों को अपने बैचेस से हायर करता हूं। ईमानदारी से मैं अपनी बात बता के चल रहा हूं, मैंने जो भी सीखा है ना, मैंने इस चीज को सीखने में सालों लगाए हैं, 8-10 साल लगे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके अंदर भी मैंने कॉन्टिन्यूसली 5-5, 10-10 घंटे रेगुलर दिया है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आप सोचते हो कि 500 रुपए का 1,000 रुपए का कोर्स या फिर 5-10 घंटे का कोर्स करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वो सच नहीं है। चाहे मैं अपने कोर्स की बात करके चलूं, अगर कोई मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता, ये नहीं है कि मेरा कोर्स करने के बाद वो करोड़ोंपति बन जाएगा, पता नहीं कितने BMW खड़ी कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मेहनत करेगा तो अच्छा कमाएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ के अंदर, और रीजन यही है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। एक चीज है, उन्होंने मेहनत करी है, मैंने तो गाइडेंस दी है, मैंने सबको गाइडेंस दी है, पर वो लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन लाए हैं, फोकस रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली वो डेवलप होने के ऊपर गए हैं। क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कनेक्ट में रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं सर ये क्लाइंट आया इस तरीके से हैंडल करूं या ना करूं, ये करूं, उससे पता लगता रहता है बंदा कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है और कितना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे लोग बस बैठे रहते मजे कर रहे जिंदगी के। तो फाइनली क्लोज करूंगा सेल्स पिच से, मैं अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म निकाल रहा हूं ई लर्निंग का, और वो ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म इसलिए निकाला जा रहा है ताकि ये फेक गुरु कल्चर खत्म हो जाए। आने वाले टाइम में मैं अनाउंसमेंट करूंगा, बताऊंगा कि क्या प्लेटफॉर्म है क्या नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया जा रहा है जहां पे सारे जितने भी बड़े बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर्स है जो कि अपने आप को गुरु बोलते हैं, आप अपने गुरु को कहो कि वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और वहां पे कॉन्टेंट डाले। वहां पे कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करूंगा, मैं कुछ भी डिलीट नहीं करूंगा, सारी चीजें आपको लाइव दिखाई देगी। अगर उस बंदे ने 10 कोर्सेज बेचे ना तो आप 10 लिखा हुआ आएगा वहां पे, वो इनिशियल बूस्ट नहीं आएगा कि पहले 500 रखो उसके बाद में अगर एक एक कोर्स दिखेगा तो एक एक नंबर ऐड करते रहो या फिर मैनुअली नंबर चेंज करते, ऐसा कुछ नहीं रहेगा वहां पे। जेन्युइनली जितना बिका होगा वो रहेगा, जो रिव्यू होगा वही रिव्यू रहेगा, कुछ चेंज नहीं करने का ऑप्शन देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा और आप लोगों के साथ भी कभी धोखा नहीं होगा, आप लोग भी देख पाओगे कौन सा जेन्युइन ट्रेनर है कौन सा जेन्युइन ट्रेनर नहीं है। तो मैं अभी ज्यादा रिवील नहीं करूंगा उस ऐप के बारे में क्योंकि वो बहुत कंप्लीट ऐप होने वाली है और वैसी ऐप शायद मार्केट में अभी तो नहीं है, कल को जब हम लॉन्च करते हैं उसके बाद कोई बड़ी कंपनी उसको रेप्लीकेट कर दे तो बात अलग है। पर वो प्लेटफॉर्म मैंने अपने लिए बनाया था कि मैं अपना ऑनलाइन कोर्स निकालूंगा तो मैं उसके अंदर बेचूंगा, पर वो इतना अच्छा बन गया तो मुझे लगा कि सबके लिए होना चाहिए, ऊपर से ये फिर फेक गुरु कल्चर शुरू हो गया, तो मैंने सोचा कि इन सारे लोगों को मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लाता हूं तो सबको सच्चाई पता लगेगी कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। मैं सबके बारे में बात नहीं करके चल रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। बाय, गुड नाइट, शब अगर खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।